इधर से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि कृषि कानून के विरोध में चलाया जा रहा आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन देश विरोधी ताकतों का है जो सीएए एनआरसी का समर्थन करते हैं। सांसद संतोष पांडे से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया। किसानों की तरफ से कांग्रेस सहित तमाम जो है विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। आखिर बीजेपी के सामने ये किस तरह की समस्या है और इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ उपाय है, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के सांसद संतोष पांडे जी। संतोष जी, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये मामला कुछ काफी बड़ा होता जा रहा है और बिल्कुल आप लोग अब बैकफुट पे नजर आ रही है बीजेपी किसानों के सामने? बीजेपी कहीं बैकफुट में नहीं है, ये वही लोग हैं जो सीएए के विरोध में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब आया उसके विरोध में शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्य जो है ये खुल करके समर्थन इसलिए कर रही है कि क्योंकि इसके पीछे जो संयोजक है ये कांग्रेस पार्टी ही है। आज पंजाब में जितनी कृषि उपज बिकी है उतना आसपास के प्रदेश में नहीं बिकी है। आज कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशानी नहीं है, मध्य प्रदेश के किसानों को परेशानी नहीं है, हिंदुस्तान में किसान जो ओरिजिनल है उनको कहीं परेशानी नहीं है। ये राजनीतिज्ञ लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस समाप्त हो रही है अपने वजूद को बचाने के लिए, ये इसमें शामिल है और इसके संयोजक वही हैं। अगर इस तरीके से माहौल बना रहेगा, गतिरोध कायम रहेगा तो फिर आंदोलन खत्म कैसे होगा? दिल्ली में आज पूरी जाम की स्थिति है और पूरे तरीके से जो है एक तरीके से सारा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके प्रभावित हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ जो किसान आत्महत्या किया है हमारे बस्तर क्षेत्र में, वो किसान ओरिजिनल किसान है, उसकी पीड़ा को समझने की जरूरत है। भूपेश बघेल की सरकार सब प्रकार से यहाँ राहत दे, बारदाने की व्यवस्था करे, विक्रय केंद्रों में जो तू भाजपा का है, अन्य पार्टी का है, कांग्रेस वालों की पहली कटाना पंजीयन से लेकर गिरदावाली से लेकर सब प्रकार की व्यवस्था कही है तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ को संभाले, वहां दिल्ली की बात और ये बाद में करें। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ये सफल होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से सीएए कानून बना और इस देश में लागू हुआ उसी प्रकार से ये भी लागू होगा। लेकिन आप लोगों की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की बात मानेंगे, कुछ संशोधन कर सकते हैं, आप लोगों को लग रहा है कि कल जो मीटिंग होगी 9 तारीख को उसमें कुछ नतीजे क्या सामने आ सकते हैं? इसमें जो वास्तव में गहरी नींद में जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, किंतु नींद का बहाना मार करके जो ओढ़ के सोया है उसको कितना भी हुला लो डुला लो वो जागने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की और जितने भी ये जो कर रहे हैं ये इसी प्रकार के लोग हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज किसान संतुष्ट है। वास्तव में किसान के आमदनी को बढ़ाने के लिए पहली बार है मोदी जी की सरकार, इसके पहले किसने चिंता किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, शरद पवार हो, जितने भी हैं ये सब पहले इस कानून को लाना चाहते थे किंतु ला नहीं सके। आज मोदी जी ला लिए तो इसमें विरोध खड़ा कर रहे हैं, ये सब जगह फेल होते गए हैं। मोदी जी इसमें भी पास होंगे, कानून बन गया है। और रही बात संशोधन की, छोटी मोटी संशोधन, ये संभावनाएं बनी रहती है, क्यों नहीं, किसानों से चर्चा करने तैयार है। ये चर्चा के मेज में बैठ करके ये केवल अपना एजेंडा चलाएंगे ऐसा थोड़ी चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो किसानों के साथ नहीं है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी है। नहीं, इसमें वास्तव में जिस प्रकार से जो भीड़ दिखती है उसमें खालिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं और उसमें अनेक अरबन नक्सली है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो सब किसानों का झंडा लेकर के वहां खड़े हो गए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा सांसद संतोष पांडे, जिनका ये साफ तौर पर आरोप है ये आंदोलन किसानों का खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है बल्कि ये राजनीतिक जो विपक्ष में जो बैठे हुए राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से चलाया जा रहा आंदोलन है। किसान केंद्र सरकार की नीतियों से संतुष्ट है और केंद्र सरकार इस गतिरोध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जल्द ही ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा सीए और एनआरसी की तरह। कैमरामैन श्याम के साथ वैभव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।